देखिए प्यारे बच्चों, आज हम या मद्दा का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ने को मद्दा कहते हैं। वो या जिस पर जज़्म हो और उससे पहले कसरा हो, आप जानते ना, फतहा, कसरा, जम्मा, जानते ना, यस, उस या को या मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? या मद्दा। ठीक है, या मद्दा। इसका साउंड होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई साउंड होता है, डबल ई साउंड होता है। जैसे कसरा का साउंड होता है हमजा कसरा ई, है ना, हमजा कसरा ई। लेकिन इसमें या मद्दा अगर हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमजा या कसरा ई, है ना, बा या कसरा बी, ताया कसरा की। चलो बेटा, नोटबुक निकाल के लिखना शुरू करो। साया कसरा सी, जीम या कसरा जी, है ना, आ या कसरा टी, ख्वा या कसरा खी, दाल या कसरा दी, जालिया कसरा जी, रोया कसरा री, साया कसरा जी, सीनिया कसरा सी। शीनिया कसरा शी, सौदिया कसरा सुई, जौदिया कसरा सुई, तौया कसरा हुई, जौया कसरा जुई, ऐनिया कसरा ई, गैनिया कसरा घी, पाया कसरा फी, या कसरा पी, काफ या कसरा की, लाम या कसरा ली, मीम या कसरा मी, नून या कसरा नी, नूनिया कसरा नी, वाव या कसरा वी, हा या कसरा ही, हमजा या कसरा ई, या कसरा ई, है ना। जी हाँ, तो इस अलीफ से लेकर या तक ये है या, और ये है जज्म, सुकून, यानी या साकिना, इसको या मद्दा कहते हैं। या मद्दा से पहले कसरा आए किसी भी लेटर्स के नीचे, तो आपको इस या को खींच के पढ़ना है। एक होता है हमजा कसरा ई, और हमजा के साथ या अगर आ जाए तो हमजा या कसरा ई, डबल ई साउंड होगा, है ना, बाया कसरा बी, ऐसे डबल साउंड होगा।